आज हम जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम के सोटी को आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन ये बनाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। जावेद वजीर टेक मेरे चैनल का नाम है और आज मेरे डिज़ाइन सर्टिफिकेट इंशाल्लाह आप लोगों को बनाऊंगा। और चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज हम कैसे डिज़ाइन सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर। और सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग के लिए हम यहाँ जाएंगे लेआउट में। लेआउट में यहाँ पे जाएंगे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। हम यहाँ से लैंडस्केप कर लेंगे। साइज पे जाएंगे यहाँ से A4, ठीक है A4 कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर के लिए कहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन, ठीक है यहाँ पे पेज बॉर्डर, यहाँ पे हम बॉक्स, बॉक्स में ये देखो हम यहाँ से स्टाइल वाला कोई डिज़ाइन लेते हैं, ठीक है क्रिएट करते हैं जो भी हमें अच्छा लगे। यहाँ पे हम स्टाइल चूज कर सकते हैं। सब चारों साइड से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जीरो करेंगे। ये जो बॉर्डर है ये यहाँ साइड पे आ जाएंगे, ठीक है यहाँ पे हम ओके कर लेंगे। ठीक है ये हमारा सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा जूम कर लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सर्टिफिकेट, या भी लेंगे ऑफ एप्लीकेशन KWP। एप्लीकेशन ठीक है यहाँ पे कोई भी पिक्चर हम ले सकते हैं, ठीक है यहाँ पे इंटर PROUDL PRSEND,
ये पे हम डेट डालेंगे जिस डेट पे बनाए, यहाँ पे कोई भी डेट हम डाल सकते हैं। ठीक है, डालते हैं यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। ठीक है, टैप 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 प्रेस करेंगे यहाँ पर हम सिग्नेचर SIGNATOR सिग्नेचर। ठीक है, आप करेंगे हम सेटिंग। ठीक है, सर्टिफिकेट के कैसे सेटिंग करेंगे, इसको हम जूम कम करेंगे। यहाँ से सबसे पहले इन दोनों को कंट्रोल ई से सेंटर, या हम होम पे क्लिक कर लेंगे, या से भी मोड से आप सेंटर पे कर सकते हैं। ठीक है, या से आप साइज या तो हम, ठीक है, कंट्रोल ई की बोर्ड से कर सकते हैं, या से भी हम सेंटर पे कर सकते हैं, या से बोल्ड। ठीक है, या से हम साइज देते हैं, इसकी साइज हम 1 देते हैं। ठीक है, स्टाइल पे क्लिक कर लेते हैं, हमें स्टाइल अच्छा लगा। ठीक है, यहाँ से हम कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम कलर भी, जो कलर हमें अच्छा लगे, मुझे ये कलर अच्छा लगा। यहाँ पे ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे हम थोड़ा इसकी साइज, यहाँ से हम स्टाइल देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से सेंटर पे, ठीक है, इसकी साइज हम बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बोल्ड करते हैं। ठीक है, साइज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम कैपिटल केस, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस केस कैपिटल, हम कैपिटल केस करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर इसको हम यहाँ से सेंटर, यहाँ से हम साइज इसके भी, यह से हम स्टाइल देते। ठीक है, जो स्टाइल हमें अच्छा लगे, जो स्टाइल हमें अच्छा लगे देते। ठीक है, फिर बात यहाँ से हम इनको भी दो लाइन को साइज थोड़ा, ठीक है, इसे रहने देते, इसको भी यहाँ से थोड़ा स्टाइल साइज बड़ा करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम स्टाइल दे सकते हैं, ये वाला स्टाइल। ठीक है, इसको हम नीचे आउटलाइन भी दे सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन पे क्लिक कर ले। ठीक है, इंटर। ठीक है, ये हमारे पास अब डेट
सिग्नेचर लाइन को थोड़ा आगे कर लेंगे, ठीक है। सिग्नेचर लाइन की साइज इसकी साइज हम यहाँ से इसकी साइज हम यहाँ से ठीक है सिग्नेचर लाइन के लिए हम यहाँ से शेप टूल पे जाते हैं, शेप यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। ज़ूम कम करते हैं, अभी यहाँ पे आते हैं इंसर्ट शेप पे क्लिक कर लेंगे। शेप में यहाँ पे हम जो ड्रा करते हैं या इसको ऐसे थोड़ा यहाँ से हम कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम कलर दे देंगे, कंट्रोल डी कर लेंगे, थोड़ा इसको आगे हम इसको ये कलर दे देंगे, यस आउटलाइन को हम कलर दे देंगे, ठीक है। कंट्रोल डी कर लेंगे, यस इसको रेड कलर दे देंगे, ठीक है। आउटलाइन को यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। इसको नो आउटलाइन फिर इन तीनों को यहाँ से शिफ्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे हम ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप हो गया, ठीक है। ये देखो हम यहाँ से कंट्रोल डी कर लेंगे, इसको यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। ये हमारा सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये सर्टिफिकेट रेडी हुआ, ठीक है।